के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा अगर शिव कृपा कर। 11 आम के पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो हों जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कार्य का स्मरण कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर समर्पित करती हो, दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18, तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो। कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर। कलश का जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र बेलपत्र की 2 पत्तियां ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र